जो कार्य करते हैं इस भारत वर्ष में, तो आप वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच में ये शुभ कार्य करते हैं। इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो आज की सबसे खास तस्वीरों में से एक है। इसी मंत्रोच्चारण के बीच में आज विधिवत ये कदम दर कदम संसद भवन में इस वक्त देश के प्रधानमंत्री प्रवेश कर रहे हैं। ये बहुत शुभ घड़ी है। आने वाले वक्त में इन तस्वीरों की अलग तरीके से चर्चा होगी और ये आज का ऐतिहासिक लम्हा है। एक ऐसा क्षण जिसको सभी को इंतजार था, क्योंकि अभी तक हमारे पास जो ऐतिहासिक धरोहर थे वो सभी ऐसे धरोहर जिनमें कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी अंग्रेजों की छाप दिखती थी, लेकिन आज जो हमें नया संसद भवन मिल रहा है, जिसकी झलकी आज, जिसकी खूबसूरती, जिसका अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं वो देश के प्रधानमंत्री के जरिए आप देख रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर आता है संसद भवन। और इसके अलावा ये कर्तव्य पथ जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, और भी आने वाले वक्त में आपको तमाम चीजें देखने को मिलेगी। तो ये कितने गौरव की बात है, आजादी का ये अमृतकाल, 75 वर्ष का आजादी का ये पूरा कार्यकाल, और उसमें हमें मिला नया संसद भवन जहाँ से हम चुने हुए प्रतिनिधियों के जरिए देश के लोगों के हक और हुकूक की बातें कर सकेंगे। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि हम ऐसे प्रतिनिधि को चुनकर भेज रहे हैं जो हम संसद भवन में जाकर हमारी आवाज बुलंद करेगा। ये कोई आम संसद भवन नहीं है, ये हमारे देश का वो संसद भवन है जिससे भारत वर्ष का भविष्य तय होता है। ये वो ऐतिहासिक तस्वीर जिसमें देश के प्रधानमंत्री की मौजूदगी, हालांकि मैं फिर दोहराऊंगी कि इसे किसी पार्टी विशेष को इसका बहिष्कार बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जनभावना के साथ कहीं ना कहीं संसद भवन के अंदर की तस्वीर फिलहाल आप देख रहे हैं। कैसे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शुरुआत हो चुकी है इस कार्यक्रम की। 7:30 बजे से गांधी प्रतिमा के पास बने पंडाल से शुरुआत होनी थी, और नए संसद भवन के अंदर की तस्वीर भी आप देख लीजिए, कितना भव्य, कितना दिव्य, और हर वो इंतजाम खास रखे गए हैं जिससे आज के दिन को और महत्वपूर्ण बनाया जा सके। ये सीधी तस्वीरें फिलहाल संसद भवन के अंदर की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, जब आधारशिला इसकी रखी गई थी उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही यहाँ पर हवन पूजन पाठ किया गया था। आज एक बार फिर से, क्योंकि 10 दिसंबर 2020 को इसके बनने की शुरुआत हुई थी, आज जबकि मिल चुका है ये भारत को नया संसद भवन। तो आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी आपको सामने बैठे दिखाई दे रहे हैं, ओम बिरला उनके बगल में बैठे हुए हैं, और इसी के साथ वो अधिनम जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तमिल शब्द में दरअसल अधिनम साधु संतों को कहा जाता है। 21 अधिनम होंगे जो अभी आगे 8:30 बजे वो राजदंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देंगे, लेकिन उन सबके बीच अभी प्रधानमंत्री जो पूजा पाठ अंदर बैठ कर रहे हैं उसकी ये सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुँचा रहे हैं, उसकी सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और अभी आज से ही ये साक्षी बनेगा नया संसद भवन और आगे पास। लेकिन मैं इन तस्वीरों को दिखाते दिखाते अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि बहुत महत्वपूर्ण आज का दिन है, लेकिन मैं अपने सहयोगी विक्रांत का रुख करूंगी। विक्रांत, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज इस वक्त के गवाह बन रहे हैं जब संसद भवन में ये संसद प्रवेश की जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जहां वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ। क्या आपको लगता है कि ऐसे वक्त में विपक्षी खेमा जो इस पे राजनीति भी कर रहे थे बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि ये जनभावना का कहीं ना कहीं बहिष्कार नहीं है? यहाँ चुनकर प्रतिनिधि आते हैं, ये उनका संसद भवन है, संवैधानिक लिहाज से लोकसभा का स्पीकर ही सर्वे सर्वा इस संसद भवन का। विक्रांत, देखिए, देश का अमृतकाल चल रहा है, आजादी का अमृतकाल हम मना रहे हैं, और उस दौरान देश को नई संसद मिलने जा रही है। जहां तक राजनीति की बात की, निश्चित तौर पर राजनीति भी इस नई संसद पे हुई, और ये कोई सुखद यादें नहीं होंगी। जब भी हम अपने नए संसद के उद्घाटन को याद रखेंगे, और विपक्षी दलों ने बहिष्कार इस संसद भवन के उद्घाटन का किया, अब वो मुद्दा जो बना रहे हैं वो उनके उसके लिए अपनी दलीलें हो सकती है उनकी, क्योंकि उनका ये कहना है कि संविधान ये कहता है कि संसद भवन जो ये संसद भवन है ये सिर्फ इमारत नहीं है, बल्कि संसद भवन राष्ट्रपति, लोकसभा, स्पीकर, राज्यसभा तीनों से मिलकर बनता है, और राष्ट्रपति को बुलाया जाना चाहिए था। ये राजनीति का उनका मुद्दा है। लेकिन किसी भी तरह कोई भी देशवासी ये याद नहीं रखना चाहेगा कि जब देश की संसद का उद्घाटन हो रहा था तो कुछ राजनीतिक दल इसका बहिष्कार कर रहे थे। लेकिन कहा जाता है कि हिंदुस्तान में चुनाव सबसे बड़ी चीज होती है, और अगला एक साल जो है वो चुनावी साल है। निश्चित तौर पर कई ऐसे मौके आएंगे जब सरकार और विपक्ष के बीच
बीच आरोप प्रत्यारोप होंगे, एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए जाएंगे, लेकिन इस संसद भवन का साक्षी जो पूरा देश होना चाह रहा है, क्योंकि आज ये कहा जा रहा है जो पुरानी संसद थी वो अंग्रेजों की बनाई हुई संसद, उससे पूरी तरीके से मुक्त होकर अब भारत की बनी हुई स्वदेशी संसद मिल रही है। और अगर ये विपक्ष का विरोध नहीं होता, बहिष्कार नहीं होता, क्योंकि विविधताओं का देश है, तो पूरा अगर भारत की संसद का प्रतिनिधित्व करने वाले सब सांसद यहाँ दिखाई देते तो निश्चित तौर पर तस्वीर और खूबसूरत होती। बिल्कुल विक्रांत, एक और पहलू मुझे आपसे ये समझना है, कहीं ये बेहतर नहीं होता, क्योंकि पत्रकार होने के नाते हम इस देश के नागरिक भी हैं, और उस नागरिक के लिहाज से अगर मैं संसद भवन परिसर से दोनों संसद भवन को देख रही हूँ, नए संसद भवन को और मौजूदा संसद भवन को, तो वाकई फक्र हो रहा है कि एक ऐसा भवन जो हमें आजाद भारत का एहसास दिलाता है, जिसमें अंग्रेजों की कोई छाप नहीं है, उनकी कोई निशानी नहीं है, क्या इस बात से एक नागरिक होने के नाते सबको फक्र नहीं महसूस करना चाहिए?